स्वागत है सभी का एक बार फिर से। और अभी हम देख रहे हैं सीज़न वन और फ्रेम टू, यहाँ पर जो कि खेला जा रहा है डिंग जुन हुई वर्सेस ओमार अलाजलानी के बीच में। एक फ्रेम यहाँ पर विन कर चुके हैं डिंग। और ये रियाद सीज़न है जो कि सऊदी में खेला जा रहा है। और अभी यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेते हुए उमर और एक बार फिर से सेफ शॉट खेलते हुए, काफ़ी अच्छा सेफ्टी शॉट यहाँ पर उमर का। डिंग एक फ्रेम विन कर चुके हैं ऑलरेडी, सेकंड फ्रेम अभी हम देख रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत रिवर्स शॉट यहाँ पर डिंग का, अच्छी प्लेसिंग ब्लैक की। और उतना ही अच्छा पॉट डिंग को, आप ज़्यादा सेफ शॉट नहीं खेला सकते बिकॉज ये उतने ज़्यादा सेफ्टी शॉट पसंद नहीं करते, अटैकिंग खेलते हैं जैसे कि इन्होंने अभी खेला। और एक बार फिर से ब्लैक की अच्छी प्लेसिंग। और उतना ही अच्छा पॉट यहाँ पर अगेन ब्लैक का। क्या एक बार फिर से ब्लैक की प्लेसिंग ला पाएंगे? जी हाँ, एक बार फिर से ब्लैक की प्लेसिंग यहाँ पर। 17 पॉइंट अभी हो चुके हैं डिंग के। आई होप कि ये फ्रेम भी डिंग ही जीत जाएंगे। यहाँ पर कंटिन्यूस तीन ब्लैक पॉट करी हैं, बहुत अच्छा स्पीड से खेलते हुए एग्रेसिव मोड में। क्या फ्रेम क्लियर कर पाएंगे? क्या स्टेबल की पूरी बॉल खेल पाएंगे? चलिए देखते हैं साथ में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही और लेटेस्ट वीडियो स्नूकर रिलेटेड आप सभी को देखने को मिलते रहें। और यहाँ पर मिस कर गए रेड, काफ़ी स्लो खेला था, काफ़ी अच्छा खेला था बट अनफॉर्चुनेटली रेड पॉट नहीं हो पाई। और अब यहाँ पर मौका ओमार के पास, देखते हैं यहाँ से ओमार क्या कर पाते हैं। क्योंकि फ्रेम विन करने के लिए अच्छा मौका है यहाँ पर ओमार के पास। पहला फ्रेम ऑलरेडी हार चुके हैं। अभी हम देख रहे हैं रियाद सीज़न फ्रेम टू और बहुत ही अच्छा पॉट यहाँ पर।
राइट से राइट को पुश किया, ब्यूटीफुल चेक शॉट। अब यहाँ से क्या कम बैक कर पाएंगे? डिंग ऑलरेडी 32 पॉइंट्स पर, रेड मिस कर गए थे। अब यहाँ से अच्छा मौका है ओमार के पास, इस फ्रेम में वापस आने का। थोड़ा सा टाइम लेते हुए, समय लेते हुए, क्योंकि एक फ्रेम लॉस कर चुके हैं ऑलरेडी। नहीं, यहाँ पर सिर्फ 3 ही पॉइंट्स बना पाए ओमार। एक बार फिर से सेम शॉट खेलना चाहते थे, जो कि शायद ऐसे खेला जाता है, डिंग ने यही बताया, क्योंकि ये लोग काफ़ी समय से खेल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल हैं। और डिंग एक बार फिर ब्लैक पर अटैक करते हुए, और काफ़ी अच्छा पॉट यहाँ पर। फोर्टी वन पॉइंट की लीड अभी तक हो चुकी है डिंग की। लेट्स सी क्या अब यहाँ से फ्रेम को क्लियर कर पाएंगे। डिंग जिन हुई, और अभी तक तो अच्छा खेलते हुए, और अच्छी प्लेसिंग के साथ यहाँ पर खेलते हुए डिंग 54 पॉइंट्स की लीड अभी तक यहाँ पर बना ली है। ओमार देखते हुए पीछे से एक बार फिर से ब्लू की प्लेसिंग काफ़ी अच्छी। इस बार ब्लैक ब्लैक की प्लेसिंग यहाँ पर और बहुत ही अच्छी प्लेसिंग के साथ खेल रहे हैं डिंग। 68 की लीड यहाँ पर। और अच्छा यहाँ पर फिर से प्लेसिंग यहाँ पर ब्लैक की। और ऑलमोस्ट यहाँ से डेंग दूसरा फ्रेम भी ऑलमोस्ट जीत ही चुके हैं, क्योंकि ओमार के सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं। और बहुत ही ब्यूटीफुल शॉट ब्लैक का, बहुत अच्छा शॉट। और देखते हैं कि क्या इस टेबल को क्लियर कर पाएंगे या नहीं।
एक बार फिर ब्लैक की प्लेसिंग, और ये जो क्लैपिंग कर रहे थे आई थिंक कज़िन वगैरह लग रहे थे डिंग के, या हो सकता है भाई भी हूँ। और यहाँ पर नाखुश अपने आप से ओमार, क्योंकि सिर्फ 3 पॉइंट्स ही उन्हीं के हैं अभी तक, उन्हें मौका मिला था इस फ्रेम में बराबरी करने का, बट वैसा कर नहीं पाए। एट्टी फोर की लीड यहाँ पर अभी तक बना चुके हैं। प्लेसिंग देखिए कितनी कमाल की प्लेसिंग है यहाँ पर डिंग की। बहुत ही अच्छे से खेलते हुए और 91 की लीड यहाँ पर। अब यहाँ से अगर मिस भी कर जाते हैं कोई सा पॉइंट तो ऑलमोस्ट जीत ही चुके हैं इस फ्रेम को भी। अपनी लीड को आगे ले जाना चाहेंगे, बेस्ट ऑफ 7 है और यहाँ पर 2 फ्रेम की लीड हो जाएगी। कमाल का गजब का शॉट, और यहाँ मिस कर गए ग्रीन को, लेकिन फ्रेम विन कर चुके हैं डिंग। दो दो फ्रेम से आगे हैं ओमार से।